हेलो दोस्तों, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए या हमें अपने दिमाग की सुननी चाहिए? मैंने लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस अपने दिल के सुन कर लिए, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। उसका एक फर्स्ट स्टेप ये है कि कुछ साल उसके ऊपर पेशेंस रख के काम करना पड़ता है। ये नहीं कि उसके ऊपर जम कर गए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर टीचिंग करनी थी तो मैंने 3 साल पहले पार्ट टाइम टीचिंग करी, समझा कि मैं टीचिंग के लिए बना भी हूं या नहीं बना हूं। फिर उसके बाद उस फील्ड में जब उतरते हैं तो आपकी उस फील्ड की नीटी ग्रिटीज पता चलती हैं। दूर से तो बहुत बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब फील्ड में उतरते हैं तो पता चलता है कि दिल आपका उस काम के लिए बना भी है या नहीं बनाया आपके उसके लिए। तो पहला स्टेप कि उस फील्ड में वाटर्स को टेस्ट कीजिए, हैव पेशेंस। स्टेप टू, लोग जो मना कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? मैंने बहुत सारे डिसीजन सोसाइटी के नॉर्म से हटकर लिए, लीग से उल्टे डिसीजन लिए। तो मुझे पेरेंट्स ने, फैमिली सोसाइटी ने मना किया, यार ये गलत काम है भले। मैंने उनके कंसर्न्स को समझा, लिखा और स्टेप बाय स्टेप से एड्रेस किया। फॉर एग्जांपल, रिटायरमेंट, मैं बहुत जल्दी 40 से भी पहले रिटायरमेंट चाहता था। मैं मुझे सबने जो कंसर्न बताए तो मैंने 35 में हाफ रिटायरमेंट ली। उस एक एक कंसर्न को एड्रेस किया, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई, मैं उस खाली टाइम में क्या करूंगा, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं घर पे बहुत चीजों को एड्रेस किया मैंने। फिर जाके 5 साल बाद मैंने डिसीजन लिया फुल रिटायरमेंट का। तो सेकंड स्टेप ये है कि जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन चीजों पर एक्शन बेस्ड रिपोर्ट दिखाइए, हवा में नहीं कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आज तक तो किया नहीं, अब करके दिखा दोगे हवा में, ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, सिर्फ दिल की सुनना और जम कर जाना बहुत बड़ा गैम्बल है। रायता फैलता बुरे तरीके से जो समेटना मुश्किल हो जाता है। लाइफ एक ही है, इसके साथ गैम्बल नहीं खेल सकते। अच्छा, दूसरी बात ये कि सिर्फ दिमाग के सुनने वाले लोग भी बहुत बोरिंग हो जाते हैं, उनका दिल डेड हो जाता है, वो लाइवली नहीं रहते वो। लेकिन लाइवली करें कैसे? उसके लिए आपको लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी, अपना वेस्टेज ऑफ टाइम मोबाइल पर और चीजों पर छोड़ना पड़ेगा। मैं फॉर इयर्स अपने सेक्सोफोन पर काम करता रहा 25 ईयर्स के बाद जाकर मुझे मौका मिला है कि जब मैं अपना सेक्सोफोन को पैशन बना सकता हूं। तो दिल को लाइवली रखना है, दिल को जिंदा रखना है, तभी तो लाइवली रहोगे। लेकिन उसके लिए अपने दिल की चीजों पर काम करते रहिए साथ साथ। तो अल्टीमेटली बात यही है कि दिल की सुनो लेकिन दिमाग के साथ साथ। ओके?